तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक माइक्रो प्रोग्रामिंग में, हमारी माइक्रो प्रोग्रामिंग की कोड कंसेप्ट की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने ऑब्जेक्ट वर्कबुक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि कैसे वर्कबुक ओपन करते हैं, कैसे वर्कबुक क्लोज करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे सेव एज करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इन सबों के बारे में हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, आप लोगों को भेजा भी था। आज हम उसी चीज को, क्योंकि कल मैंने कोई कोडिंग को परफॉर्म नहीं कराया था, जस्ट एक्सप्लेन किया था कौन सा कोड क्या कर रहा है, लेकिन हमें जब किसी कोड को रन करने से पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है ना सर, तो एक एक कोड इस तरह से रन करके दिखाएंगे तो फिर उतना फायदा नहीं होगा। हम उसको एक रिपोर्ट में, एक प्रॉब्लम में जब उसको इन्वॉल्व करेंगे और उसकी सॉल्यूशन पाएंगे, तब हमें एक रिपोर्ट ऑटोमेशन का मजा आएगा। तो यही एक प्रोग्राम हम आपके साथ लेके आए हैं। तो मैं स्टोरी किस इस तरह से बना रहा हूं कि मेरी कंपनी जो है ट्रेवल कंपनी है, एयरलाइंस की टिकट बुकिंग करती है और वो यूज करता है सेवर, एक सॉफ्टवेयर सेवर है, सेवर सॉफ्टवेयर यूज करता है। सेवर सॉफ्टवेयर से जब डेटा हम डाउनलोड करते हैं, तो नॉर्मली आप डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं, आपने क्लिक किया डाउनलोड, एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, मतलब कि वो क्या करता है, एक्सेल फाइल को ही डाउनलोड करता है। बट सेवर में फैसिलिटी नहीं है कि किसी एक्सेल फाइल को डाउनलोड करे, क्योंकि वो एक्सेल फाइल क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वेब एप्लीकेशन है और वेब एप्लीकेशन पे एक्सेल फाइल क्रिएटिंग का कुछ ऐसा डला हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लोकेशन बताते हो तो उस एक्सेल फाइल को अपडेट कर देता है, मतलब कि मैं जब रन करूंगा बताऊंगा कि भाई बुक वन पे जाओ और बुक वन के पहले शीट पे जाके वो डेटा को पेस्ट कर दे। तो सेवर क्या करता है कि लोकेशन पे जाता है, फाइल को ओपन करता है और उसको पेस्ट, उसमें से उसमें डेटा पेस्ट कर देता है और फाइल को सेव करके क्लोज कर देता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे हर दिन एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो सेवर में सेटिंग है कि वो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग फोल्डर को ढूंढ लेता है और फाइल को ढूंढ लेता है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि डी ड्राइव में सबसे पहले 2019 का फोल्डर बनाए, अगर बना हुआ है तो इग्नोर करे, नहीं तो 2019 का फोल्डर बनाए, 2019 फोल्डर के अंदर में चेक करें कि क्या अगस्त 8 नाम का फोल्डर है, अगर नहीं है तो फिर वो 1 नाम का फोल्डर क्रिएट करे, जो कि मुझे मैन्युअली करना पड़ता है, न्यू पे जाके करते हैं ना, सिस्टम स्लो है सर। और फिर उस 8 नाम के, 8 नाम, मंथ 8 है तो 8 नाम के फोल्डर में जाए और फिर वो यहां पे एक फाइल क्रिएट करे एक्सेल की, जिसका नाम आज के जो 8 है या पूरा डेट का फॉर्मेट डालना है तो डेट का फॉर्मेट डाल, ठीक है, ध्यान से देखिए। कि एक्सेल वर्कबुक को क्रिएट करे और इसका नाम, जैसे कि आज तारीख 6 है तो 6 अगस्त 2019 है। याद रखिएगा कि डेट एक्सेल फाइल में स्लैश एक्सेप्ट नहीं करता है, ये प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट करते हैं, तो स्लैश नहीं रखिएगा, क्रिएट हो गया। तो मुझे इसी काम को करना है कि मैं माइक्रो रन करूं, रन करते ही सबसे पहले डी ड्राइव में जाए, 2019 का फोल्डर नहीं है, मान लीजिए मैं 1 जनवरी को ओपन कर रहा हूं तो 1 जनवरी को 2020 हो जाएगा, 2020 का फोल्डर नहीं है तो बना दे, ऐसे 2000 जो सिस्टम ईयर है उसके हिसाब से फोल्डर बना दे। फिर सिस्टम का जो मंथ है, अगर मंथ का फोल्डर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो उसका फोल्डर बना दे, उसके अंदर फिर एक और फोल्डर में हमें क्रिएट करना भूल गया, एक और फोल्डर बनाया उस डेट की, हो सकता है कि एक ही दिन में कई सारे डेटा हम डाउनलोड करते हैं, तो डे के भी फोल्डर बनाया, तो डे आज 6 तारीख है तो 6 नाम का फोल्डर बनाया और उस 6 नाम के फोल्डर के अंदर हमारा फाइल क्रिएट करे, ताकि मेरा सेवर इस फाइल को ओपन करके इसके अंदर डेटा डाल सके। तो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई, हेलो सर, ईशा जी आपको समझ में आ, ईशा जी
सर मुझे समझ में आ गई है प्रॉब्लम। ओके, और अल्पेश जी आपको समझ में आए? यस आ गया। अल्पेश जी यस यस आ गया सर। अब चलिए इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, मैं मॉड्यूल्स में जाना। हमने बोला है कि एक ही मॉड्यूल में कैसा है मैक्रो बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और हमने फाइल बनाया क्रिएट फाइल फोल्डर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो क्या हुआ कि आप मेरे यहाँ पे इस पे देखेंगे मैक्रो लिस्ट में क्रिएट फाइल फोल्डर का बन गया, तो इसी को रन करके परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड है तो सिस्टम डेट से कैसे लें। तो चलिए एक्सेल, इसकी मदद हम एक्सेल से लेते हैं। एक्सेल में हमारे पास एक टुडे का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टुडे का, जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। अब मुझे इसमें से ईयर अलग करना है तो मैं ईयर का फोल्डर, ईयर के अंदर में टुडे का फॉर्मूला रखूंगा तो मुझे क्या करेगा, ईयर अलग करना है। तो मुझे सेम 2019 चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा वाई इक्वल टू ईयर, क्योंकि ईयर फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला है बट वीवीए में सपोर्ट करता है। ये पता कैसे चला मुझे, मैंने ईयर लिखा और ब्रैकेट ओपन किया तो यहां पे डेटा एक्सप्रेशन आ गया, इट मींस ये सपोर्ट करता है। अब यहां पे एक चीज याद करने वाली बात और भी है कि टुडे फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है। अगर टुडे फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। इसका अल्टरनेटिव क्या है ये याद करना पड़ेगा। तो टुडे का अल्टरनेटिव है डेट, तो डेट फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है। तो करेंट सिस्टम डेट किसको दिया, ईयर फॉर्मूला। ईयर फॉर्मूला का काम क्या है, तो उसके अंदर जो डेट आता है उसमें से ईयर को अलग करके रखता है। हालांकि ईयर फॉर्मूला एक फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला है, तो इसके लिए स्टोरेज पॉइंट चाहिए, कहां स्टोर करेगा। हमने यहां पे वाई ले लिया, वाई फॉर ईयर। अब वाई क्या है, वाई एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड एबीसीडी लेते हैं, जैसे कि एक्स इक्वल टू 100, जहां जहां मुझे 100 की जरूरत है वी कैन यूज द एक्स। सेम उसी तरह से हमने वाई इक्वल टू ईयर और डेट ले लिया, तो ये 2019 को वाई पे स्टोर कर देगा। अब मुझे जहां जहां 2019 की जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, वाई को कॉल करेंगे। तो ईशा जी एंड अल्पेश जी समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा मैं बाकियों का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि ईशा जी की आवाज, ईशा जी की नाम और अल्पेश जी का नाम मुझे याद रहा इसलिए मैंने ले लिया। ऐसा ना बोले कि आप लोग बोल रहे हैं कि दो ही पे ध्यान दे रहे, हम भी तो ध्यान ही नहीं दे रहे। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रॉब्लम तो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टॉप में यही दो नाम आ रहे हैं इसलिए मैंने ये नाम बराबर ले रहा हूँ। उसी तरीके से प्लीज म्यूट कर लीजिए। उसी तरह से मंथ और डेट दे दिया और डे, तो ईयर मंथ और डे का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले तीन फॉर्मूले जो एक्सेल के फॉर्मूले है बट वीवीए में सपोर्ट करता है। पता कैसे चला, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया एक्सप्रेशन आ गया, इतनी सपोर्ट करता है। एक मिनट का टाइम दीजिएगा सर, एक मिनट। सर सुबह से क्लास ले रहा हूँ, ऐसे सर गहा सूख रहा है। चलिए तो मेरे पास सिस्टम डेट का ईयर मंथ और डे आ गया, वो भी डायनेमिक है। जैसे सिस्टम डेट चेंज होगा ये अपने आप को भी चेंज कर देगा। ओके, अब बात करते हैं फोल्डर क्रिएट करने का, ये फोल्डर कैसे क्रिएट करें।
तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। फोल्डर क्रिएट करने का एक फंक्शन होता है एमके डायरेक्टरी, एमके इट मींस में डीआईएम डायरेक्टरी, तो ये आपको इस तरह से याद रहेगा एमके डीआईआर। ऐसा चीजें सर आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बाकी जो भी कंडीशन वगैरह है मैं समझा दूंगा आपको, बट ये सब चीजें याद करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टिव बनाने का ये है कि डी ड्राइव में गया और 2019 कर दिया। देखिए तो इसमें क्या है कि हमने ड्राइव लिखा और यहां पे हमने लिख दिया ईयर, तो लास्ट में जो लिखेंगे ना वो फोल्डर क्रिएट कर देगा, मतलब डी ड्राइव क्रिएट नहीं करेगा, डी ड्राइव के अंदर 2019 को क्रिएट कर देगा। इसी तरह से हमने स्लैश इसमें एड कर दिया तो डी ड्राइव के अंदर 2019 के अंदर 8 को क्रिएट करेगा, तो जो लास्ट में दिया होगा आपका पाथ उसी पाथ को वर्क करेगा, उसी पाथ को वो वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 2019 लिख दिया तो हमेशा 2019 ही बनाएगा, मुझे 2019 नहीं मुझे Y लेना है, ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि अगर मुझे कंबाइन करने मैंने यहां पे इक्वल डी ड्राइव ले लिया स्लैश और 2019 लिख दिया तो फिक्स है, कल के डेट में 2019 या 2020 हो जाए तो चेंज नहीं होगा। तो एक्सेल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेल को लिंक करते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि देखिए इस तरह से कि हम इसको कॉन्कटेनेट करेंगे 2019 के साथ, तो हमें जैसा चाहिए वैसा आया लेकिन इसके साथ लिंक हुआ, जैसे ही 2020 होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो सेम यहां पे जहां पे देखिए इसमें इसके अंदर क्या है हमारा C2 है ना, अब सेम यहां C2 है तो C2 इट मींस Y यहां पे BVM है, तो यहां पे हम इसको डिलीट करते हैं और यहां भी एन बर्सिप इसमें तो ज्वाइन वाले कॉन्कटा ने वाई कर देते, तो दोनों कंबाइन होकर हो जाएगा 2000 डी ड्राइव में 2019। अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है, अब इसे मान लीजिए कि 2019 में मुझे अब यहां पे मैंने मंथ का फॉर्मूला लगा रखा है, मंथ का फॉर्मूला मेरा इसमें से मंथ अलग करके दे रहा है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं कॉन्कटेनेट और इसमें स्लैश दे रहा हूं और फिर कॉन्कटेनेट कर रहा हूं 8, तो इससे क्या हो जा रहा है ये 2019 स्लैश 8 आ गया। हम स्लैश देना जरूरी है, अगर हमने स्लैश नहीं दिया तो ये 2000 इस तरह से अलग दिखा देगा आपको 2019, तो स्लैश देना जरूरी है क्योंकि हमारा पास जो है उसी तरह से होता है ना कि फोल्डर के सब फोल्डर पे जाते हैं, तो डी ड्राइव में क्या VVA, अब VVA के अंदर कोई फोल्डर है तो फिर वो VVA स्लैश होगा, तो उसी हिसाब से यहां भी हम करेंगे कि Y तक तो है और N परसेंट देंगे और यहां पे हम स्लैश देंगे और फिर N परसेंट में हम यहां M देंगे, तो ये हो गया डी ड्राइव 2019 स्लैश डी ड्राइव स्लैश 2019 स्लैश 8। अब मुझे डे का भी देना है तो इसी कोड को आगे बढ़ाते हुए यहां पे आते हैं, वापस 2008 के बाद हमने स्लैश दिया और हमने एन परसेंट कर दिया डी, तो ये कोड में क्या बन गया कि डी ड्राइव 2019 स्लैश 8 स्लैश डी, जो कि हमारा फॉर्मेट होता है। तो ईशा जी अल्पेश जी एंड क्या नाम उनका नाम भूल जाता हूँ, नाम में तो BIG लिख रखे हैं, प्रकाश जी सॉरी, हाँ प्रकाश जी, करण जी कोई डाउट इसमें, हेलो नो सर, हाँ सर, अल्पेश जी ये डायरेक्टली क्रिएट करना आ गया ना आप लोगों को,
चलिए अब इसमें डायरेक्टली क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है। आपका सिस्टम कहता है कि एक नाम के दो फोल्डर या फाइल सेम लोकेशन में नहीं बन सकती। तो एक बार तो वर्क कर जाएगा आज के डेट में, कल के डेट में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कल के डेट में हमारा 2019 2018 ऑलरेडी अवेलेबल, 8वां महीना ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड को बाईपास करना है। ये नई चीजें देखिए, मतलब किसी कोड को अगर किसी कोड में एरर आया तो आप उसको बाईपास करना चाहते हैं, जैसे कि इफ एरर करता है एक्सेल में, उसके लिए हम जहां से बाईपास करना है वहां पे जाते हैं, लिखते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे वर्कबुक को ऐड करते हैं। अब मुझे वर्कबुक को ऐड करके सेव करना है, मुझे पता है, तो डायरेक्ट लिखते हैं वर्कबुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज। कहाँ सेव एज करना है, तो इस लोकेशन में। और यहाँ पे हमने एन परसेंट दिया और स्लैश, क्योंकि फाइल नेम, हमें फाइल नेम देना है। अभी ऊपर जैसे बताया ना आपको कि हाँ फाइल नेम देना आपको डेटा एक्स डॉट एक्सलेस, तो मेरा जो फाइल नेम है वो फाइल नेम डेट है। तो यहां पे हम डेट नहीं लिख सकते, यहां पे डेट को कंबाइन नहीं कर सकते। अब डेट को कंबाइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डेट जो आएगा वो स्लैश लगा हुआ आएगा और फाइल नेम में स्लैश, अभी थोड़ा देर पहले बताया, स्लैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब कि हमें जो फाइल नेम चाहिए, अगर मैं डेट डाला तो स्लैश नहीं चाहिए, डैश वाली सिस्टम चाहिए। तो एक्सेल में इसका सॉल्यूशन है टेक्स्ट, कि टेक्स्ट फॉर्मूले में हम यहां पे डीडी एमएमएम एंड वाईवाई कर दूं तो मेरा डेट इस तरह से बन जाएगा 6 अगस्त 19। बट वीबीए में टेक्स्ट फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है। ये कैसे पता चला, सेम तरीका कि मैंने टेक्स्ट फॉर्मूला यहां लगाया और ब्रैकेट ओपन किया तो एक्सप्रेशन नहीं आया। तो टेक्स्ट का अल्टरनेटिव होता है फॉर्मेट, ये भी याद कीजिएगा। फॉर्मेट फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूले के जैसा ही काम करता है। और यहां पे हमने डीडी स्लैश एमएमएम स्लैश वाई वाई कर दिया, तो उसे वो वही काम किया जो कि एक्सेल शीट पे आपके टेक्स्ट ने किया है, और ये आपका कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेट जो है जस्ट फाइल का नाम ही दिया ना, एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट एक्सलेस एक्स जिसे यहां चाहिए वो तो बाकी है। तो यहाँ पे हम एन परसेंट में डॉट एक्सलेस एक्स देंगे, राइट। तो हमारा पाथ कंप्लीट हो गया, ये हमारी लोकेशन होगी पाथ, फिर हमने स्लैश दिया, फिर हमने फाइल का नाम दिया और फिर हमारा ये डॉट एक्सलेस एक्स। अब फाइल क्रिएट हो गई है तो उस क्रिएट की गई फाइल को क्लोज भी करना है, तो जब तक फाइल क्लोज नहीं होगी तब तक हमारा सेवर या कोई जो सॉफ्टवेयर है वो वापस कैसे एक कर पाएगा, डेटा डाल पाएगा। तो यहां पे हम कल वाली कंसेप्ट करेंगे एक्टिव वर्क बुक। अब एक्टिव वर्क बुक क्यों किया, क्योंकि अभी अभी फाइल इसके ऊपर एड हुई है, तो जो फाइल एड हुई है वही एक्टिव है। तो यहां पे हम करते हैं क्लोज, और क्लोज करते से हमें ट्रू एंड फॉल्स देना है, तो आप ट्रू दे दीजिए ताकि वो सेव करते हुए क्लोज करेगा। और लास्ट में आपका सारा सिस्टमेटिक ढंग से हो चुका है, उसके लिए आप एक मैसेज देंगे एमएसजी बॉक्स, और यहां देंगे मैसेज कि फाइल इज क्रिएटेड। ये मैसेज देने का है, ओके। अब इसको मैं रन करता हूं, तो मैंने इसको माइक्रो में गया और मैंने क्रिएट फोल्डर और इसको रन कर दिया, फाइल इज क्रिएटेड, मैसेज आ गया। अब देखिए कि यहां पे 2019 का फोल्डर क्रिएट हो गया, अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, देखिए डेट टाइम, इसके अंदर 8वां नंबर फोल्डर क्रिएट हो गया, ओके। उसके अंदर आज का डेट 6 है तो 6 फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर 5 6 अगस्त 2019 की फाइल क्रिएटेड हो गई है।
तो मेरी परफॉर्मेंस डन होगी। लेकिन ये चीज समझ में तभी आएगा जब आपको इसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसको ट्रिगर करने का तरीका क्या है, तो क्या इसको ट्रिगर करने के लिए आप माइक्रो लिस्ट में जाएंगे तो यहां से तो रन कर सकते हैं। आपको कोई शॉर्टकट बनाना है तो एक्सेल ऑप्शन में जाए, सॉरी इसमें इसको सिलेक्ट करके ऑप्शन पे आए और यहां पे दे दें जो भी आप शॉर्टकट, तो शॉर्टकट करने से रन हो जाएगा। या फिर आप किसी बटन पे, चाहे डेवलपर बार में यह बटन है हमारा ये आपका होम कंट्रोल, इसको क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए और आपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं इस पे रन करूंगा तो ये आपका वर्क कर जाएगा। तो जैसे डिजाइन करेंगे वैसे आपसे पूछेगा बटन्स तो डाल दीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई आपने ग्राफिक्स लिया है जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह या कोई सैप वगैरह, मैं सैप ही लेता हूं, आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक करते रन हो जाए, मैं आप सैप पे क्लिक करते रन हो जाए इस पे, तो उस पर राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो करना है और आपका रन हो जाएगा, राइट। तो एक कोड जो है आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, प्रिंट स्क्रीन होता है ना वो ले लीजिए प्लीज, और इसको ट्राई करके देखिए। कोई डाउट होती है तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा अभी, ठीक है। ईशा जी, अल्पेश जी एंड प्रकाश जी एंड बाकी ऑल, यस सर। अल्पेश जी कोई डाउट तो नहीं है ना? सर एक क्वेश्चन, नहीं सर एक क्वेश्चन था कि जो फाइल फोल्डर हमने क्रिएट किया बट वो फाइल और फोल्डर कहां से, मींस डेटा कहां से फेच हो रहा है? सर डेटा कैसे पिक नहीं किया, हमने जस्ट फाइल क्रिएट किया है, डेटा तो डालेगा हमारा सॉफ्टवेयर डालेगा ना, हमने तो जस्ट फाइल क्रिएट किया है, डेटा डालने का तो कोई एल्गोरिथम था ही नहीं। डेटा तो डालना हम आगे सिखाएंगे, अभी तो फाइल क्रिएट करना सीख लीजिए, फाइल क्रिएट की तरह डेटा डालिएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत होती है तो इसको रेफरेंस पे ले लीजिएगा, वीडियो में आपको थोड़ा देर में भेज देता हूँ, या जिन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं भेज देता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, सर प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग। ओके थैंक यू।